श्योपुर जिले में नशे के बढ़ते कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए बच्चों ने मोर्चा संभाल लिया है। इतना ही नहीं, बच्चों की इस टीम ने श्योपुर कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा और जिले में बढ़ते नशे के कारोबार को रोकने की अपील की। वही बच्चों की इस पहल की पूरे क्षेत्र में चर्चा हो रही। भाजपा नेता यदुराज सिंह ने कलेक्टर से शिकायत की और बड़ौदा थाने में पदस्थ आरक्षक पर स्मैक बेचने का आरोप लगाया। आज आवेदन दिया है श्रीमान जी को, ये नशे के खिलाफ दिया गया है। हम इनसे आश्वासन लेना चाहते हैं कि जिले में जो भी अवैध कारोबार है नशे के, वो तत्काल बंद हो और इस पर ठोस कार्रवाई हो। हमने पुराने भी ज्ञापन दे चुके हैं, पर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई ठोस। ये प्रशासन की मिली भगत है।